नमस्कार। हिंदुस्तान रति और कामदेव को पूजने वाला देश है, अजंता और खजुराहो को बचाने वाला देश है, वात्स्यायन को पढ़ने और समझने वाला देश है, लेकिन न जाने क्यों फिर भी सेक्स नाम के शब्द को लेकर ही यहाँ पर त्योरियाँ चढ़ने लगती हैं, चेहरे लाल होने लगते हैं। जिंदगी के इस दोहरेपन पर और खास तौर से गे राइट्स को लेकर आज हम चर्चा करेंगे चक्रव्यूह में। और हमारे साथ हैं खास मेहमान अशोक राव कवि साहब, जो हम सफर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे हैं गे राइट्स को लेकर। बीपी सिंगल साहब हैं, जिनका दावा है कि वो हिंदू संस्कृति को बचाए हुए हैं अभी तक इस लड़ाई को लड़कर। और डॉक्टर अजीत सक्सेना साहब हैं, जो अपोलो हॉस्पिटल में एंड्रोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ मुंबई में होंगे इंटरनेशनली रिनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश कोठारी और फिल्म अभिनेत्री दीपल शाह। शुक्रिया। सबसे पहले शुरू करते हैं अशोक साहब से। अशोक साहब, क्या है ये अंधेरे बंद कमरों की जिंदगी? बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हमारे देश में पहले तो 100 करोड़ लोग हैं, तो इसका मतलब सेक्स तो चल रहा है, लेकिन सेक्स की बातें नहीं होती हैं, सेक्सुअलिटी पर बातें नहीं होती हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। WHO के पास, UNAIDS के पास, UNDP के पास बहुत ऐसे इंटरनेशनल सर्वेज हैं, और ये सर्वे ऐसे लोगों ने किए हैं जो दे आर नॉट गे राइट्स एक्टिविस्ट। हाँ, आप एक मिनट रुकिए, आपसे पहले बात करेंगे दीपल शाह से, जो हमारे साथ इस समय मुंबई में हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं। दीपल, हम यहाँ पर बहुत गर्म बहस कर रहे हैं सेक्सुअलिटी को लेकर, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर। आप फिल्मों में रहती हैं, आपकी चर्चा जब भी सेक्स को लेकर होती है तो दीपल शाह का नाम आता है। क्या आप सोचते हैं इस सोसाइटी में सेक्स को लेकर चर्चा, कभी विवाद जो है वो बंद होंगे? देखिए विजय जी, जिस समाज का हम हिस्सा हैं, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर लोग जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं, जबकि पर्दे के पीछे सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी सामने से आप अपने आप को ऐसे दर्शाना चाहते हैं जैसे कि मतलब आप ही एक संस्कारों का पुतला है, बाकी और कोई दुनिया में तो है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में केवल सेक्सुअलिटी को ही लेकर इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा हलचल मच जाती है कि होमोसेक्सुअलिटी तो उससे एक दो कदम आगे की बात है। दीपल, आपको लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी को लेकर हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होना चाहिए, और हिंदुस्तान में जो भी लोग हैं, जो भी एडल्ट लोग हैं, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो मर्जी है, उसमें जीने का अधिकार मिलना चाहिए? नहीं, सोसाइटी में खास तौर से इंडियन सोसाइटी में, इसलिए क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप कहें कि नहीं ये नहीं करना है, नहीं इसके बारे में नहीं जानना है, तो ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक चीज़ है कि उसे जानने की उत्सुकता और बढ़ती है, उसे करने की उत्सुकता और बढ़ती है। जबकि ये जो ढोंगीपन है हमारे भारतीय समाज में कि आप सैकड़ों शोज करते हैं कि सेक्स को टैबू क्यों माना गया है, लेकिन अगर आप पीठ पीछे देखें, आप भी मीडिया भी जानती है कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी होती जा रही हैं, लेकिन वही अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे एक नया आयाम दे दिया जाता है। क्या आप सपोर्ट करती हैं? आप सपोर्ट करती हैं गे एक्टिविस्ट के जो राइट्स हैं, गे राइट्स की बात जो इस देश में इस समय चल रही है, जो विवाद चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसको आप सपोर्ट करेंगी? मैं इसलिए सपोर्ट करना चाहूंगी क्योंकि मेरी पैदाइश कुछ 100 साल पहले नहीं हुई है कि 100 साल पहले की अगर स्थिति को देखकर मैं शायद कुछ और कह सकती थी, पर अभी की स्थिति को देखकर मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आप लैंगिक समानता की बात करते हैं तो ये भी इसी का हिस्सा है कि अगर हमारे समाज में होमोसेक्सुअल्स हैं, बायसेक्सुअल्स हैं, या उस प्रकार के और भी लोग हैं, तो उन्हें जीने का पूरा हक है क्योंकि वो भी समाज का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कि आप और हम या कोई भी नॉर्मल इंसान। और ताज्जुब की बात यह है कि क्योंकि ये समाज में खुलापन नहीं आया है, इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमें हम समझते होंगे कि ठीक है ये नॉर्मल है, लेकिन वो हो सकता है क्लोजेट गेज हों। वो क्लोजेट गेज केवल इसलिए हैं क्योंकि समाज उन्हें उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर वो हैं तो सही, उसे बदला तो नहीं जा सकता। आजादी के वक्त 36 करोड़ लोग, there is no dispute at all, कोई dispute नहीं है उनको बताने के लिए कि about sex, because that is very important।